सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, परम श्रद्धा और आदर के योग्य अभिभावक गण महोदय, इस विद्यालय परिवार से स्नेह रखने वाले, मार्गदर्शन रखने वाले, सहयोग रखने वाले और इस विद्यालय परिवार की उन्नति के चरम में हमेशा एक स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले सभी बंधुओं का बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अनिल कुमार खेदड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन क्लास को पढ़ने वाले सभी मेरे अजीज बेटों को, बेटियों को, दूसरी संस्थाओं के जुड़े सभी छात्र छात्राओं को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा से उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनके प्रति श्रेष्ठ शुद्ध भावनाओं के साथ उसको लक्ष्य की ओर आकर्षित करने की दुआएं और ढेर सारा आशीर्वाद आपको अर्पित करता हूं कि आप अपने निहित उद्देश्यों में सफल हों, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, माता पिता की सेवा करते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, इस कठिन परिस्थिति के दौर में भी आप अपनी सुव्यवस्थित पढ़ाई को करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभ भावनाएं मेरी आपसे है। प्रिय छात्रों, मेरे बच्चों, आज का जो टॉपिक है अध्याय नंबर 10 है, उसका अंतिम टॉपिक है, पार्ट नंबर 3 है। 15 जुलाई 2020 को मऊ श्वेतांबरी को वंदन करते हुए आपके तीसरे पार्ट का आगाज करने जा रहा हूं। आज के हमारे टॉपिक का मूल आधार जो है वो है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज वह खनिज जो ऊर्जा, शक्ति व व्यवस्थाओं के संचालन को कायम करता हो, उद्योगों की आधारशिला हो, वह खनिज जो ऊर्जा, शक्ति, रसोई गैस से लेकर बड़े बड़े कारखानों में एक ताकत के रूप में कार्य करता है, उसे आप ईंधन खनिज के नाम से जानते हैं। ईंधन खनिज का जो प्रधान आयाम है वो प्रधान आयाम कौन सा है? कोयला है। कोयला भारत का परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, भारत का सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है, भारत का सबसे ठोस ऊर्जा स्रोत है, भारत का सबसे पहला ऊर्जा स्रोत है। ये कई नाम कोयले के साथ जुड़ते हैं। कोयला भारत का परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कोयला भारत का सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है, कोयला भारत का ठोस ऊर्जा स्रोत है और कोयला भारत का पहला ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका काम आता है। भारत के अंतर्गत अगर कोयले की बात की जाए तो भारत में जो कोयला है वो पूर्व भारत में पाया जाता है, पूर्व भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। एक बात मैं और आपसे करना चाहूंगा सभी छात्रों से कि कोयला जो है वो ज्यादातर कहाँ मिलता है? नदी घाटियों से प्राप्त होता है, नदी मुहानों से प्राप्त होता है, वहां से हमें कोयले का सर्वाधिक जो भंडार मिलता है। कोयले का देश में वर्तमान समय में जो भंडार है, कोयले का देश में वर्तमान समय में भंडार है, वो वर्तमान समय का भंडार 285 लाख टन है। 285 लाख टन जो भारत में वर्तमान समय के कोयले का भंडार है, जिस 285 लाख टन का 70% ताप विद्युत घरों में प्रयोग होता है, इस 285 लाख टन का 70% जो हम उत्खनन निकालते हैं, भंडार से जो खोदते हैं, उनमें से 70% उपयोग ताप विद्युत घरों में होता है। कहाँ पर होता है? ताप विद्युत ग्रह जहां पर बिजली उत्पादित की जाती है वहां पर इनका प्रयोग होता है। देश में व्यवसायिक ऊर्जा खपत में 67% योगदान कोयले का है। देश के अंतर्गत देश में व्यवसायिक ऊर्जा का जो उत्पादन है वो देश का व्यवसायिक ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत 67% जो योगदान है वो 67% योगदान कोयले के क्षेत्र का आता है या कोयला मिलता है। भारत में 98% कोयला गोडाउन लैंड के क्रम की चट्टान में है। 90.8% जो कोयला है वो कोयला हमें कौन से क्रम की चट्टान में मिलता है? गोडवाना क्रम की जो चट्टान है उस गोडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। और 2% जो हमारा कोयला है वो 2% कोयला ट्रेसियर क्रम की जो चट्टान है उस ट्रेसियर क्रम की चट्टानों में हमें प्राप्त होता है।
भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंतर्गत रानीगंज देश की 35% कोयला प्राप्त किया जाता है। दामोदर घाटी पश्चिमी बंगाल में, रानीगंज कहाँ पर आपका आता है तो आप लिखोगे दामोदर घाटी क्षेत्र है, और दामोदर घाटी क्षेत्र आपका कहाँ पर आता है, पश्चिमी बंगाल जो क्षेत्र है दामोदर घाटी का, वहाँ पर 35% जो कोयला है वो 35% कोयला आपका उत्खनित किया जाता है, निकाला जाता है। गोडाउन क्रम की चट्टानों में बिटुमिन प्रकार का कोयला निकलता है, यानी कि गोडाउन क्रम की जो चट्टान है उस गोडाउन क्रम की चट्टान में कौन सा कोयला निकलता है, बिटुमिन कोयला निकलता है। कौन सा निकलेगा, बिटुमिन कोयला जो है वो, बिटुमिन कोयला जो है वो गोडाउन क्रम की जो चट्टाने हैं उस गोडाउन क्रम की चट्टानों में निकलता है। कोयले के चार प्रकार होते हैं, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार। पहला जो प्रकार है वो इंथ्रेसाइट कोयला है। कौन सा कोयला, इंथ्रेसाइट है। इसमें 90% कोक की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, 90% कोयले की मात्रा होती है, कोक की मात्रा होती है। कोक का दूसरा नाम भी आप एक लिख सकते हो, जिसका दूसरा नाम क्या आएगा, कार्बन आएगा, तो आप कार्बन शब्द लिख सकते हो, कोक शब्द आप इसके लिए लिख सकते हो। फिर दूसरे प्रकार का जो कोयला होता है उस कोयले का नाम बिटुमिन कोयला है। ये बिटुमिन कोयला उसके अंतर्गत 75 से 80% है, 75 से 80% किसकी मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है, कोक की मात्रा होती है। भारत में सर्वाधिक कोयला जो पाया जाता है वो बिटुमिन में है, और बिटुमिन का सर्वाधिक भंडार रानीगंज दामोदर जो घाटी है उसके अंतर्गत है। तीसरा कोयला जो इसके अंतर्गत है, लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है, और लिग्नाइट किस्म के कोयले में 35 से 50% तक ही क्या पाया जाता है, कोक पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। लेकिन चौथे स्तर के कोयले के अंतर्गत जो है वो चौथे स्तर का कोयला है वो पीट कोयला है। कौन सा कोयला, पीट कोयला है, और पीट कोयले में 15 से 35% पाया जाता है, 15 से 35% तक क्या पाया जाता है, कोक पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो ये चार चीजें किसमें आती हैं, कोयले में आती हैं। कोयले की सबसे उन्नत स्तर एंथ्रेसाइट 90 कोक, ये कोयला सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये अमेरिका में पाया जाता है। बिटुमिन कोयला है वो भारत का है, 75 से 80% कोक होता है, लिग्नाइट में 35 से 50% कोक कार्बन होता है, और पीट 15 से 35% तक सबसे कम कोक की मात्रा इसके अंतर्गत पाई जाती है। फिर भारतवर्ष में कोयले के भंडार असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और राजस्थान के अंतर्गत इसके भंडार पाए गए। अगर आपको सिर्फ भंडार के बारे में पूछता है तो भंडार के राज्यों के अंतर्गत जैसे असम है जहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी आपकी लगती है, मेघालय है, मेघालय उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल के बाद में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद राजस्थान आपका आता है, राजस्थान के बाद नागालैंड क्षेत्र आता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कोयले के क्या है, पर्याप्त मात्रा में भंडार मिलते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो तीसरे स्तर का कोयला है। आप बिटुमिन भारत में है और राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट आधार का कोयला पाया जाता है, वो राजस्थान के अंतर्गत लिग्नाइट किस्म का तीसरे स्तर का कोयला पाया जाता है। ये कोयला जो है वो चूने की चट्टानों के साथ पाया जाता है, जो यानी कि आपका कौन से क्षेत्र में आता है, बाड़मेर। बाड़मेर के अंतर्गत आपका कुपरडी है, जालिपा स्थान है, जालिपा के अलावा गिरल स्थान है, गिरल के अलावा मुंगा स्थान है, सीव ये क्षेत्र है। तो कुपरडी क्षेत्र है, जालिपा क्षेत्र है, गिरल क्षेत्र है, गुंगा क्षेत्र है और शिव क्षेत्र है। ये वो सारे क्षेत्र हैं जहां पर कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बाड़मेर के बाद में दूसरा क्षेत्र आपका है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर। बीकानेर में बरसिंग जो पूरा जो बरसिंग सर है, बरसिंग सर जो आपका है, बरसिंग सर वहां पर यानी कोयला मिलता है। पालना एक बार पूछा हुआ है बच्चों आपके सेकंड ग्रेड में, गुड्ढा, बिथनोक, देशनोक, उसके बाद कसनाऊ, कसनाऊ के बाद कुचेरा आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कोयले के भंडार पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। लेकिन मातासुख तनसुख क्षेत्र है तो यहाँ पर हमारे जो कोयले के क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में हमारे भंडार जो हमें हैं
वो हमें पर्याप्त मात्रा में इसको मिले। देखो अगर बात की जाए, हमारे राज्यों की बात की जाए कि राज्यों के अंतर्गत कौन कौन सी जगह पर हमें कोयला प्राप्त हुआ, तो देखो जैसे अगर हम बात करते हैं झारखंड की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत झरिया आता है, बोकारो आता है, राजमहल आता है, देवगढ़ आता है, डाल्टनगंज आता है। उड़ीसा क्षेत्र की अगर बात करते हो तो उड़ीसा में ढेकनाथ क्षेत्र है, सलुम्बर क्षेत्र है, तलचर क्षेत्र है, सुंदरगढ़ क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत मिलता है। लेकिन मैं इनमें से भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको झारखंड में पूछता है तो ज्यादा गिरगोह क्षेत्र पूछता है, और क्षेत्र तो है लेकिन गिरगोह क्षेत्र पूछता है। जैसे आपको बोकारो पूछता है तो हजारीबाग और बोकारो दो क्षेत्र हैं जहां पर आपको झारखंड लिखना है। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ जो अति महत्वपूर्ण है। अगर तलचर क्षेत्र आपको पूछता है तो तलचर क्षेत्र में आप क्या लिखेंगे, उड़ीसा लिखेंगे। सिंगरौली और सुहागपुर पूछता है, सिंगरौली व सुहागपुर ये जो दो स्थल है ये आपके कहाँ, एमपी के अंतर्गत है। और ये कौन सी घाटी आती है, सोन घाटी आती है। तलचर आती है वो कौन सी घाटी है, ब्रह्मपुत्र है। और झारखंड सोन घाटी नदी परियोजनाओं में आता है। तातापानी राउरकेला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, तो तातापानी है, राउरकेला है, तो तातापानी और राउरकेला ये दोनों क्षेत्र जो आपके आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सारे आते हैं। सिंगरौली जो क्षेत्र है वो सिंगरौली क्षेत्र आपका कहाँ का आता है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये सारी क्षेत्र हैं जो आपके हैं जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन कौन सी नदी घाटियों में जिनमें कोयला पाया जाता है, देखो जैसे गोदावरी नदी घाटी आता है तो आंध्र प्रदेश लिखना है, ब्राह्मणी नदी घाटी आता है तो उड़ीसा लिखना है, उसके बाद अगर सोन नदी घाटी आती है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लिखना है, दामोदर नदी घाटी आती है तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल लिखना है, महानदी घाटी आती है तो छत्तीसगढ़ और क्या लिखना है, उड़ीसा लिखना है। ये आपको यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से करना है। एक बात अगर आपसे पूछ लिया जाए कोयले का सर्वाधिक भंडार भारत में पूछे तो आपको लिखना है झारखंड, लेकिन अगर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन आपको पूछे तो आपको लिखना है उड़ीसा। और भारत के अंतर्गत कोयले के क्षेत्र में एक महारत्न कंपनी स्थापित हुई थी और उसका नाम क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया एक महारत्न कंपनी है। और उसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। भारत के कोयले में कोकीन की मात्रा कम होती है, कोकीन रहित तो मामला होता है जिसमें ज्यादा प्रदूषण या नहीं फैलाता है। भारत का कोयला एक शुद्ध कैटेगरी के अंतर्गत क्या किया जाता है, माना जाता है। ये भारत का पहला ऊर्जा स्रोत था, तो उस ऊर्जा स्रोत को आप क्या कहते हैं, कोयला, कहा कोयले के रूप में आपने पढ़ा। एक बार बच्चों में इस चीज को दोबारा क्लियर कर दो। अध्याय संख्या 10 में पार्ट नंबर 3 है और ईंधन खनिज है। ईंधन खनिज के स्वरूप में आपने वह खनिज जो ऊर्जा और शक्ति ये व्यवस्था में काम आते हैं उसे कहा जाता है। कोयला आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, सबसे पुराना है, सबसे ठोस है और सबसे पहला है। भारत में कोयला पूर्व भारत में सर्वाधिक नदी घाटियों के अंतर्गत ये कोयला था, पूर्वी भारत में इसके भंडार है। देश में वर्तमान समय के भंडार 285 लाख टन है। 70% उत्पादित कोयले का प्रयोग ताप विद्युत केंद्रों में किया जाता है। देश में व्यवसायिक ऊर्जा 67% योगदान कोयले का है। 98% कोयला जो है वो हमें गोडाउन क्रम की चट्टान में मिलता है, 2% कोयला हमें ट्रेशियर क्रम की चट्टान में मिलता है। कोयले के 4 प्रकार है। पहला प्रकार जो है वो एंथ्रेसाइट कोयला है, जो 90% कोक की मात्रा होती है, अमेरिका में सर्वाधिक पाया जाता है। बिटुमिन कोयला जिसमें 75% से 80% कोक की मात्रा होती है, सर्वाधिक जो पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। लिग्नाइट किस्म का कोयला 35 से 50% कोर कार्बन पाया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है, 15 से 35% इसमें कोक या कार्बन की मात्रा होती है। राजस्थान के बाड़मेर, कुपरडी, जालीपा, गिरल, गुंगा, शिव प्रसिद्ध स्थल है जो बाड़मेर के कोयले के लिए। बाड़मेर के अलावा बीकानेर, बरसिंहसर, पालना, गुड्डा, बिस्नोक, दसनोक, कसनाऊ, मातासुख है। तो उसके बाद सोनू, मेड़ता जो आपके प्रसिद्ध स्थल है वो नागौर के, सोनू क्षेत्र है, मेड़ता क्षेत्र है, ये आपके जो है वो प्रसिद्ध कहाँ के हैं, नागौर के। भारतवर्ष के अंतर्गत कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। कोयले का उत्पादन जो करता है वो उड़ीसा करता है। दूसरी चीज यहाँ पर आती है
झारखंड क्षेत्र के कोयले उत्पादक बाकोरो हजारीबाग झारखंड के, तलचर उड़ीसा है जो ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश के अंदर, सिंगरौली सुहागपुर एमपी सोन नदी घाटी जो आपकी है उसमें इस कोयले के भंडार, तातापानी राउरकेला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के, सिंगरौली आंध्र प्रदेश का है, भंडार झारखंड में है, उत्पादन उड़ीसा में। इसके अंतर्गत एक महारत्न कंपनी स्थापित हुई थी जो कोल इंडिया लिमिटेड 1975, और ये जो भारतीय कोयला उसके अंतर्गत कोकीन की मात्रा क्या है, कम है, लेकिन एक बात की जाती है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में ये महत्वपूर्ण रूप से क्या है, यानी अति महत्वपूर्ण स्थान ये रखता है। तो आपका पहला ऊर्जा स्रोत हो गया, और पहले ऊर्जा स्रोत के रूप में जो हुआ है वो क्या हुआ है, कोयला हुआ है। अब दूसरे कोयले के भंडार उत्पादन के बाद जो है वो पेट्रोलियम क्या है, पदार्थ है, और ये आपका जो पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ कहाँ पर हुए हैं उसके बाद में आपको जो दूसरा बिंदु हम आपको अणुशक्ति के बारे में बताएंगे, तो पहले पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में देखिए। देखो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में काम में आता है, या ये एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है उसको आप बड़ी डिटेल से देखिए। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे पेट्रोलियम पदार्थ। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ आपके जो है ये ट्रेसियर क्रम की चट्टानों का हिस्सा है, ट्रेसियर क्रम की चट्टानों का हिस्सा है। ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण तत्व है। ये क्या है, पहली बात ये ट्रेसियर क्रम की चट्टान है, वो कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टानों के रूप में पाया जाता है, ये अवसादी चट्टान है। इसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम पदार्थों में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है, जिसमें 70% तेल प्लस 30% प्राकृतिक गैस, यानी 70% तेल है और 30% क्या है, प्राकृतिक गैस है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का अपतट क्षेत्र में 65% जो क्षेत्र है वो अपतट में होता है, यानी भारत में पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनका 65% जो उत्पादन है वो उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, अपतट क्षेत्र में होता है, या अपतट क्षेत्र में 65%। एशिया का पहला पेट्रोलियम उत्पादन 1867 में माकुम क्षेत्र असम में स्थापित किया गया था, यानी संपूर्ण एशिया महाद्वीप जो है उस एशिया महाद्वीप का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 1867 ईस्वी का है, और वो कौन सा क्षेत्र है, माकुम क्षेत्र है, और माकुम क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है, असम का क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा कुआ स्थापित हुआ था 1889 में, और दूसरे कुएं का नाम क्या था, डिगबोई था। दूसरे कुएं का नाम क्या था, डिगबोई नामक स्थान पर था। और इस पेट्रोलियम पदार्थों का पता लगाने के लिए 1956 में पेट्रोलियम पदार्थों का पता लगाने के लिए एक संस्थान स्थापित किया गया था, ONGC, जिसका अर्थ होता है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म इसकी होती है, उसके आधार पर इसमें किया जाता है। भारत में चार तेल के क्षेत्र आपके प्रतिष्ठित आते हैं, और वो चार तेल के जो क्षेत्र आते हैं उसमें असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाटी अपतट क्षेत्र है, फिर गुजरात है, गुजरात का भी जो रात जो क्षेत्र है तट क्षेत्र है, पूर्व अपतटीय क्षेत्र है, पूर्व साइड का अपतटीय क्षेत्र है, और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये यहाँ पर इसमें मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में आती है। असम के अंतर्गत यानी जो तेल उत्पादक क्षेत्र है असम में जो मुख्य है, उसके अंतर्गत पहला माकुम 1867 वाला तेल उत्पादक क्षेत्र है, उसके बाद में डिगबोई असम के अंतर्गत 1889 का है, तीसरा जो सुरमा घाटी है वो असम का है, चौथा नहर कटिया क्षेत्र जो है वो नहर कटिया क्षेत्र असम का है, उसके बाद हुगरी जनगोर मोरान ये कहाँ का है, असम क्षेत्र का है जहाँ पर ये मिलता है, उसके बाद में गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है,
तो गुजरात में खंबात की खाड़ी क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी क्षेत्र है जहां पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, अंकलेश्वर जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, कलोल जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, सानद लूनेज जहां पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, सानद लूनेज पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, ये सारी वो जगह है जहां पर पेट्रोलियम पदार्थों का प्राप्त होता है। पश्चिमी मुंबई हाईवे 60% यानी जो हमारी पश्चिमी बंबई हाईवे उसमें 60% पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा नया क्षेत्र खोजा गया है, तो आप कह सकते हैं गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो है वो नए क्षेत्र के रूप में इसमें खोजा गया है, पता लगाया गया जहां पर आपके यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों का कि उत्खनन कार्य जो है वो यहाँ पर हुआ है। ऐसा कहा जाता है कच्चे तेल के उत्पादित करने 24 बड़ी रिफाइनरियां यहाँ पर विकसित हुई हैं, जिसमें गुवाहाटी है, बरौनी है, बड़ोदरा है, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। देश का 91% उत्पादन महाराष्ट्र में, 71% व 11% महाराष्ट्र में, देश के 91% उत्पादन का महाराष्ट्र में 71% होता है, 11% गुजरात और असम में 7% होता है। यानी देश का कुल उत्पादन होता है वो 71% जो होता है तटीय क्षेत्रों में होता है, 91 खुदे जो यहाँ पर उनकी खोज की गई है, तो उनमें से जो आपका 71% तो अकेला कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, 11% जो होता है वो 11% कहाँ होता है, गुजरात के अंतर्गत होता है, उसके बाद में 7% कहाँ होता है, असम में होता है, और 2% कहाँ होता है, वर्तमान समय में राजस्थान में इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे आप गंगानगर है, साचौर है, गुड्डा मालानी क्षेत्र है, आज तक कैरियन एजेंसी के द्वारा 91 कुएं जो हैं खोदे गए, जिनमें 12 कुओं में 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। राजस्थान प्रीफिक्स में ये बात आपकी आती है। तो पेट्रोलियम पदार्थ ट्रेशियर क्रम की चट्टानों के अंतर्गत है, अवसादी चट्टानों में है, हाइड्रोकार्बन और यौगिक तत्वों का मिश्रण है, इसमें 70% तेल और 30% जो यानी प्राकृतिक गैस है। अपतटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक मिलता है। एशिया महाद्वीप का पहला पेट्रोलियम उत्पादन माकुम असम में हुआ, दूसरा भी 89 डिगबोई असम में हुआ। 56 में ONGP पे तेल और प्राकृतिक गैस संस्थान का गठन हुआ था। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी है, गुजरात अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। असम माकुम डिगबोई सुरमा घाटी नहरकटिया हुगरी जोरान बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात में खंबात की खाड़ी अंकलेश्वर कलोल और मुलेज बहुत प्रसिद्ध है। पश्चिमी बंगाल 60% पश्चिमी मुंबई में 60% उत्पादन होता है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा में भारत का 71% महाराष्ट्र, 11% गुजरात, 2-7% असम, 2% राजस्थान। राजस्थान में 91 कुएं खोदे गए हैं और जिनमें से 12 कुओं के अंतर्गत जो उत्पादन कार्य शुरू हुआ है और वो व्यवसायिक क्षेत्र में कब से संचालित हो रहा है, 2005 से संचालित हो रहा है। इस लेसन का अंतिम बिंदु है और उसका नाम है परमाणु ऊर्जा, यानी इस टॉपिक का अंतिम बिंदु जो है उस अंतिम बिंदु का नाम क्या है, परमाणु ऊर्जा के रूप के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा में कौन कौन से ऊर्जा संसाधनों के रूप में इनको पढ़ा गया, जैसे यूरेनियम की बात करते हो आप, थोरियम की बात करते हो, यूरेनियम थोरियम के अलावा ग्रेफाइट की बात आप करते हो, ये सारे ऊर्जा संसाधन के रूप में आते हैं। तो परमाणु शक्ति के अंतर्गत कौन सी चीजें शामिल होती हैं आपकी, तो आप उसके उदाहरण लिखोगे यूरेनियम, उसके उदाहरण में लिखोगे थोरियम, ये भी उसका है, तीसरा उदाहरण लिखोगे ग्रेफाइट, डेलोमाइट, ये सब क्या है, जिस्कोन, जिस्कोन, सुरमा, ये सारे किस्में आते हैं, परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। यूरेनियम और थोरियम रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी यूरेनियम व थोरियम रेडियो एक्टिव किरणों से, रेडियो एक्टिव किरणों के तत्वों के विघटन से, तत्वों के विघटन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम व थोरियम रेडियो एक्टिव किरणों के तत्वों के विघटन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, परमाणु ऊर्जा के रूप में ये प्राप्त होता है। जितना 25 लाख केजी
कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 1 kg यूरेनियम से पैदा हो जाती है, यानी 25 लाख kg कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 1 kg यूरेनियम से ही प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात यह है कि परमाणुओं के यूरेनियम स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, विघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम एक परमाणु ऊर्जा का ऐसा जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है या स्वतंत्र रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी यूरेनियम की एक क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी क्या है, विशेषता रही है। यूरेनियम के जो भंडार है वो झारखंड क्षेत्र में है सर्वाधिक। कहाँ पर है? झारखंड क्षेत्र में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है। झारखंड की जो भूमि है वो कौन सी है? जादूगोड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर जादूगोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत यूरेनियम के भंडार यहाँ पर भी मिले हैं। और जादूगोड़ा किसका हिस्सा, सिंह भूमि जिला उसका हिस्सा, पंचब्लेड सामरस्काइट आदि ये जो है ये इसके अयस्क के रूप में कहलाते हैं। तो बगजाता और जादूगोड़ा में यूरेनियम के भंडार है। उसके अलावा सह्याद्री की पहाड़ियों में यूरेनियम के क्या पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद में अगले क्षेत्र के रूप में जो आता है वो परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत क्या आता है, थोरियम आता है। थोरियम विश्व का, भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है, विश्व का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसमें परमाणु भट्टियों में इसका प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? परमाणु भट्टियों के रूप में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ये स्वतंत्र स्वतःगत विघटन नहीं होता, इसका स्वतः विघटन नहीं होता जैसे यूरेनियम का होता है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा में ग्रेफाइड है वो कार्बन के अनुरूप होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक जैसे अभ्रक होती है वैसे ही क्या होता है, कुचालक होता है। इसका किसमें प्रयोग होता है, परमाणु जो रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, किसके रूप में, मंदक के रूप में होता है। पेंसिल की लेंड बनाई जाती है, आपकी जो कच्ची पेंसिल होती है HB पेंसिल उसकी लीड बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है। और परमाणु शक्ति को नियंत्रित करने में, परमाणु शक्ति को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग होता है। नियंत्रित करने में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ये आपका जो आता है वो परमाणु शक्ति के रूप में आपको आता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं थोरियम, यूरेनियम, बेरियम, जिस्कोन, ये सारी चीजें जो है वो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं। इनके अंतर्गत जो इनके उत्पादित क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत जैसे जादूगोड़ा, बगजाता, तुमापली आंध्र प्रदेश के हैं, थोरियम क्षेत्र है, ग्रेफाइड क्षेत्र है, पेंसिल की लेंड है, परमाणु रिएक्टर है, मंदक के रूप में प्रयोग होता है, ये सारे उत्पादन के रूप में काम आते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि राजस्थान में 87 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 44 प्रकार के बड़े और 23 प्रकार के खनिज होते हैं। 87 प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, जिनमें से 44 प्रकार के बड़े हैं और 23 प्रकार के छोटे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। पूरे देश के अंतर्गत 22% योगदान रखता है, लेकिन तंबर नगरी के रूप से खेतड़ी, मकराना, उसके बाद सीसा, चांदर, सबके बारे में मैंने आपको अलग बताया, तमड़ा, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तो इसमें राजस्थान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रहता है। कुछ चीजें मैं दोबारा से आपको समझाना चाहूंगा, बच्चों को वो बता दूं। परमाणु ऊर्जा स्वतंत्र रूप से होता है, यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, डेलोमाइट, जिस्कोन और सुरमा। यूरेनियम, थोरियम जो रेडियो एक्टिव किरणों के तत्वों के विघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये यूरेनियम जो है ये एक स्वतंत्र खनिज है, और 1 यूरेनियम kg से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 25 लाख kg कोयले से पैदा होती है। झारखंड में बगजाता, जादूगोड़ा और सिंह भूमि जो क्षेत्र है वहां पर इसके क्या मिले हैं, भंडार प्राप्त हुए। दूसरी है थोरियम, विश्व का सर्वाधिक मिलता है, परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में काम में आता है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट जो छड़ बनती है उनको उनके काम में भी यही आता है। उसके स्वतंत्र विघटन कार्बन के रूप में स्वतंत्र विघटन नहीं हो पाता। फिर थोरियम विश्व का सर्वाधिक है, परमाणु भट्टियों में इसका प्रयोग होता है, इतना याद रखना। ग्रेफाइट कार्बन के रूप में विद्युत का कुचालक है, परमाणु रिटर्न मंदक और पेंसिल लेंड में इसका काम होता है। ये परमाणु शक्ति के, राजस्थान में 87 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से
जो 44 यानी जो 23 स्वतंत्र प्रकार के हैं, बाकी साथ साथ हमने आपको सब चीजें बताई। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है वो प्रेम से इसको पढ़ें, याद करें, मनन करें और आगे बढ़ाएं। बिंदु को बड़ी तन्मयता से याद करो। बेटे आज आपका 10 का लेसन पूरा हो चुका है, फिर हम एक नए एपिसोड में, एक लेसन में 16 जुलाई को 11वें लेसन में मिलेंगे। तब तक हम नमस्कार है सभी को, ढेर सारी।